बोले सर, जो व्यक्ति अपने आप में नहीं है उसका दिमाग ही नहीं काम करता है, कब क्या बोलना। अभी दिन में आपको गरी आ रहे थे अपने चैनल से कि पाठक जी के चैनल पर जाने से समाधान हो जाएगा। पाठक जी देखिए, एक मिनट सर, जाने आप एक मिनट सर, भाषाओं को यूज मत करिए सर। आप तो जोकर कह देते हैं, सबको जोकर कह देते हैं। बड़वाल साहब आप भी लाइफ में नहीं, पहले समाधान की बात करिए, पहले आप सुनिए समाधान की बात करिए। कैसे होगा भुगतान आप बोलिए मुझे। अरे भाई जरा हमको विश्वास जी ना, हम आपसे कोई मतलब आप बताइए, आप उस पर मत जाइए। आप अपना डुबा कर बैठे हुए, आप अपना समाधान बताइए, छोड़िए। अभी देख रहे हैं वकील साहब लोग भी आपको बोल रहे हैं, आप अपना समाधान करिए। दो मिनट चुप करा दीजिए प्लीज इनको। ऐसे तो चुप होते नहीं, दिन भर 20-25 रोज वीडियो इनका चलता है। हर वीडियो में सुभान जी को ब्रेन ऑफ बकवास। हमारा नया नामकरण आजकल आया है इनका, कल्लू मिया, पता नहीं हिंदू से मिया कैसे हो गए। और आपका है पाठक जी का बकवास चैनल, उसके ऊपर जाने से क्या समाधान हो जाएगा? दिन भर बकते रहते हैं अपने चैनल से, बोले 10-5 गुम भेज आपको नहीं, आप बोलने का आप ही आप ले लीजिए। एक मिनट शुभम बोलने दो, नागेंद्र जी को बोलने दो। हम नहीं बोलेंगे सर, हम चुप रहते हैं। हम जो बात बोल रहे हैं आप मुझसे मत बताइए, आंसर बताइए। हम सब आंसर देंगे, सब आंसर देंगे, पहले जरा सही आंसर मिल जाए। बड़वान साहब आप भी इनका वीडियो देखते हैं ना, हमने जो बात कहा क्या झूठ है कि सच है? सच है सर, आपकी बात सच है। इसीलिए एक कोई फैक्टर ये नहीं है, फैक्टर ये है सर कि अभी 3-4-5 का जो सुनवाई हुआ, 4 सप्ताह का टाइम सहारा को मिला। देखिए हम लोग बार बार एक बात कह रहे हैं, जो लोगों को समझना है सुधीर ने वो समझ जाए, ना समझना है ना समझे। ये लड़ाई पैसे का है, ये लड़ाई सहारा इंडिया के साथ है, बीच में सरकार है, और तीसरा कोई बीच में कहे, कोई छक्का आ जाए, चाहे बीच वाला आ जाए, चाहे कोई आ जाए, बक्सेंगे हम लोग किसी को नहीं, तो चाहे कोई भी आ जाए, हम लोग सब लोग अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि हम अपना पैसा डुबा के बैठे हैं, किसकी औकात है जो हम लोगों का पैसा डुबा दे? है किसी की औकात? क्या मेहनत की कमाई है, चेक काट के दिया हूं हर महीने का, मेरा खाली कमीशन का पैसा नहीं है, मेरा तनख्वाह का पैसा भी जुड़ा हुआ है। और किसकी औकात है जो नागेंद्र पैसा कुशवाहा का डुबा के रख ले, कलेजा के अंदर हाथ डाल करके लेने का तिब्बत रखते हैं, और उसमें बीच वाला और समाधान और व्यवधान पैदा करने वाला जितना भी है ना, सबको जो भी करना पड़ेगा ना सब कर देंगे हम लोग। लड़ाई कहाँ है? बीच में जो भी व्यवधान पैदा करने के लिए कोई बक्सा नहीं जाएगा। जितना गरियाना होगा तो अपना चैनल से जाकर के गरियाते रह लेना। हम हिंदू है तो हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं हो जाएंगे, कल्लू मियां नहीं हो जाएंगे। चेहरा काला होने से कोई कल्लू मियां नहीं होता है। मेरा पड़ोसी का नाम था कल्लू चचा, वो भी कल्लू मियां थे, बोलते हो तो कभी उनका याद भी आ जाता है। फैक्टर तुम लोग हो ही नहीं, फैक्टर है सहारा इंडिया। सहारा इंडिया को जो चीज बोला गया था कि 4 सप्ताह में आपको ज्वाइंट वेंचर करना है, 1,000 करोड़ रुपये ज्वाइंट वेंचर करा करके पैसा लाना है, और इस केस की सुनवाई फिर 15 अक्टूबर को होनी है, उसका आगे 25,000 करोड़ रुपए तक का ही बात चल रहा है सहारा सेली का। अभी 2.5 लाख करोड़ रुपया का हम लोगों का रीट बाकी है। तो क्या सहारा इंडिया ने 1,000 करोड़ रुपया जमा कर दिया? सहारा के दो दो जोकर आकर के कह चुके हैं आपके भी चैनल से और भी कोई चैनल से, और तीसरा जोकर भी कह दिया कि 1,000 करोड़ जमा हो गया। क्या वास्तव में 1,000 करोड़ जमा हुए? कोई मेरे को बता दे। जो लोग समाधान और व्यवधान बकबक करते रहते हैं वो लोग कह रहे थे कि करण अर्जुन आ रहे हैं, तो करण अर्जुन कब आ रहे हैं? क्योंकि वो तारीख नहीं बताते हैं। सहारा इंडिया का चेयरमैन कई दिन से सब लोग चला रहे अपना अपना चैनल पर, सपना राज चेयरमैन हो रही है, सपना राज चेयरमैन हो रही है, कोई मुझे बता दे कि वो तारीख क्या है जिस दिन सपना राय ले रही है शपथ। सपना राय ने कहा था कि हम अपने पति का, हालांकि वो नहीं कहे थे, ये समाधान कराने वाले लोग बोलते हैं अपने अपने चैनल से कि 50,000 करोड़ रुपया का लोन ले रहे हैं, जिससे कि पति पर लगा हुआ कलंक मिट जाएगा। कुछ दिन पहले आया था ना, क्या वो 50,000 करोड़ रुपया का कर्ज मिल गया? इन लोगों ने कहा था कि हमारा 8 सोर्सेस से पैसा आ रहा, पैसा आ गया,
जल्द भुगतान हो जाएगा। किसी को 100 रुपए MIS मिल गया, जो पोर्टल से पेमेंट हो रहा है वो कितने लोगों को 50,000 मिला और कितने लोगों को 10,000 मिला। 5,000 करोड़ रुपया में क्या 86,000 करोड़ रुपया का भुगतान हो सकता है? ये कोई मुझे जवाब देगा? पीछे का जितना कहानी चल रहा है वो चलने दीजिए, हम करेंट की बात करते हैं। करेंट जो 3, 4, 5 का सुनवाई हुआ उसमें सहारा इंडिया कितना कदम आगे बढ़ाया? क्या 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गया? जब ये करना ही नहीं चाह रहा और हम लोग फिर जब कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर यही लोग चिल्लाएंगे कि यही लोग सहारा इंडिया को बर्बाद कर दिए। कुछ लोग तो कहने लगे कि हम चले आत्महत्या करने के लिए नागेंद्र कुशवाहा अभय शुक्ला का नाम लिख के हम जा रहे हैं। तो हम लोग तो बैठे हुए नहीं रहेंगे, हम लोग कहे कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 4 सप्ताह का टाइम दिया तो मेरी और क्या औकात है कि हम कोई तरह का बात बोले। हम लोग ये बोले कि नहीं ठीक है, हम लोग 4 सप्ताह इंतजार कर लेंगे और 4 सप्ताह अब अंत होने चला है तो कोई तो मीडिया वाला मेरे को बता दे कि 1,000 करोड़ जमा हो गया, ज्वाइंट वेंचर हो गया, सारा इंडिया अब बाकी सारा चीज ठीक हो गया। जो 86,000 करोड़ रुपया अभी कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि पोर्टल बेकार है, अब कह रहे हैं कि पोर्टल अच्छा है, पोर्टल से ही पेमेंट हो गया। तो क्या पोर्टल पर 86,000 करोड़ रुपया का व्यवस्था कर दिया और इंटरेस्ट का मेरा क्या होगा? वो कोई तो क्लियर कर दे। अब जब ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग को तो हाथ पर हाथ रख भी सकते हैं। उसके बाद ये लोग कह रहे थे कि ऑफिस खोल के भुगतान होगा, ऑफिस खोल के भुगतान होगा। तो हमने तो बार बार कहा कि भैया ऑफिस खोल के भुगतान करने से आपको मना किसने किया? हम तो आपके लिए खड़े हैं, आप ऑफिस खोलो ना, खोल के भुगतान करो, हमको तो भुगतान मिलने से मतलब है। आज तो मैं झारखंड सरकार को लेटर भी लिखा हूं कि इनका ऑफिस बंद क्यों है इसकी सूचना हम लोगों को दिया जाए।